दोस्तों, एक ऐसा देश जो अपनी यूनिक हिस्ट्री के लिए जाना जाता है, एक ऐसा देश जो अपनी नॉर्दर्न लाइट के लिए जाना जाता है, एक ऐसा देश जिसने दिया ड्रैगन को शेप, और एक ऐसा देश जिसने की हेलोवीन फेस्ट की शुरुआत। जानकर आपको हैरानी होगी कि इस देश में आपको एक भी सांप नहीं मिलेगा, लेकिन उसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। हम आपको सुनाएंगे उस कहानी को, बस बने रहिएगा हमारे साथ। एक बात और, अगर आप ड्रिंक का शौक रखते हैं तो समझिए ये जगह आपके लिए किसी हेवन से कम नहीं है। टाइटेनिक को पसंद करते हैं तो ये वही जगह है जहां पर टाइटेनिक का निर्माण हुआ। ऐसी बहुत सारी खास बातें हैं इस देश के बारे में जो आज आपको पता चलेंगी, बस चलते रहिए हमारे साथ। और इस बेहद ही खास देश का नाम है आयरलैंड। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। चलिए जल्दी से करते हैं एक्सप्लोर आयरलैंड को। आयरलैंड दुनिया की सबसे खूबसूरत और अट्रैक्टिव जगहों में से एक। उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित आयरलैंड ब्रिटिश द्वीपों का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। राजनीतिक रूप से आयरलैंड दो भागों में डिवाइड है, आयरलैंड गणराज्य और उत्तरी द्वीप। हालांकि उत्तरी द्वीप यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा है, अपनी शानदार सुंदरता और सरप्राइज कर देने वाली खूबसूरती के लिए जाना जाता है। साथ ही एमराल्ड आइल के नाम से भी इसे लोग पहचानते हैं। आयरलैंड को एमराल्ड आइल के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें कुछ खास है। ये अपने हरे भरे ग्रामीण इलाकों के लिए काफी फेमस है। आयरलैंड को हरित द्वीप यानी कि ग्रीन लैंड के रूप में भी जाना जाता है। इसकी हरी पहाड़ियां और प्राकृतिक सुंदरता वर्ल्ड फेमस है। आयरलैंड की राजधानी डबलिंग है दोस्तों। इसकी लगभग 92% आबादी रोमन कैथोलिक धर्म का पालन करती है और 3% लोग प्रोटेस्टेंट धर्म को मानते हैं। आयरलैंड की ऑफिशियल भाषा आयरिश है और अंग्रेजी भी, हालांकि आयरिश भाषा को यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर माना जाता है। दोस्तों, 5वीं सदी में आयरलैंड में ईसाई धर्म का आगमन हुआ था। संत पैट्रिक, जो आयरलैंड के संरक्षक संत माने जाते थे, उन्होंने ईसाई धर्म को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस समय के दौरान आयरलैंड में कई छोटे राज्य बने जिनका शासन स्थानीय राजाओं द्वारा किया जाता था, और यही वजह है कि यहाँ का जो मुख्य धर्म है वो ईसाई धर्म है। दोस्तों, पर्यटक कई कारणों से आयरलैंड आते हैं। इसके अलावा इसकी मंत्रमुग्ध करने वाली शुद्ध सुंदरता, समृद्ध संस्कृति, हिस्ट्री, गेम्स और नेचर, साथ ही कल्चर, और हाँ, शानदार कुजींस, यहाँ तक कि बेहतरीन ड्रिंक्स आयरलैंड को एक बेहतरीन डेस्टिनेशन बनाती है। वास्तव में अनगिनत नहीं, लेकिन अनुमान है कि आयरलैंड में लगभग 30,000 से ज्यादा महल हैं। भूतपूर्व शासकों और शक्तिशाली परिवारों द्वारा इनको बनाया गया। कई महल और किले समय बीतने के साथ टिके हुए हैं, कई खंडहर बन चुके हैं और कई अपनी यादों को आज भी ताजा कर रहे हैं। हेलोवीन, इसके बारे में तो आपने सुना होगा, ये एक फेस्टिवल है, पसंदीदा त्योहार। लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी शुरुआत आयरलैंड में ही हुई थी? जी हाँ, हेलोवीन को ईसाई उत्सव के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इसकी जड़ सेल्टिक पारंपरिक त्योहार समहिन में है। सेल्टिक लोगों का मानना है कि हर साल नए साल की शुरुआत से पहले मृतक धरती पर आते हैं और इस फेस्टिवल को वो इसीलिए ऑर्गेनाइज करते हैं। दोस्तों, एक शानदार प्राकृतिक घटना है नॉर्दर्न लाइट्स। ये कुछ ही देशों में आपको इस पृथ्वी पर देखने को मिलेंगी, आयरलैंड उसी में से एक है। आप आयरलैंड में नॉर्दर्न लाइट को देख सकते हैं। सौर हवाएं और आयरलैंड का उत्तरी स्थान दुनिया के सबसे अट्रैक्टिव प्राकृतिक प्रकाश शो में से एक है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आयरलैंड में उत्तरी रोशनी देखने का सबसे अच्छा समय सितंबर और मार्च है। ये नॉर्दर्न लाइट आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट दे जाएगी। इसके अलावा अक्टूबर से फरवरी के बीच अगर आप लकीएस्ट हैं तो नॉर्दर्न लाइट आपको दिख सकती है। दिलचस्प बात तो ये है दोस्तों कि आयरलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसका राष्ट्रीय प्रतीक एक संगीत वाद्य यंत्र है, एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। कभी सुना है आपने? दोस्तों, अगर आपको सांपों से डर लगता है तो डोंट वरी, ये देश आपके लिए बिल्कुल सेफ है क्योंकि यहाँ पर आपको सांप नहीं मिलेगा। इसके पीछे की एक हैरान करने वाली कहानी है। कहा जाता है कि सांपों ने सेंट पैट्रिक, जो कि एक संत थे, उनको काफी परेशान किया। वो इतने परेशान हो गए कि उन्होंने लग कर इस देश के एक एक सांप को पकड़ा और समुद्र में बहा दिया। हालांकि थ्योरीज ये कहती है कि यहाँ पर ठंड बहुत है और ठंड की वजह से यहाँ पर सांप नहीं रुक पाए, इसलिए यहाँ पर आप सांप नहीं देखेंगे। हालांकि आपको आयरलैंड के जू में सांप मिल जाएंगे, लेकिन जंगल में कोई देसी सांप नहीं मिलेगा,
तो आप आराम से यहाँ पर हाइक और ट्रैक कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ड्रिंक करना पसंद है, आप उसे इंजॉय करते हैं, तो यकीन मानिए आप परफेक्ट देश में आ रहे हैं। आयरिश लोग अपने ड्रिंक्स को एक गंभीर विषय के रूप में लेते हैं, बहुत सीरियस होते हैं जब भी वो ड्रिंक्स के बारे में बात करते हैं। आयरिश बियर, एल्स और विस्की वर्ल्ड फेमस है और अपने आप में एक कल्चर है, एक सोसाइटी है। सबसे प्रसिद्ध बियर का ब्रांड आपको यहीं मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों, आपने टाइटैनिक मूवी भी देखी होगी और टाइटैनिक के बारे में जानते भी होंगे। टाइटैनिक का निर्माण उत्तरी आयरलैंड में हुआ था, बेलफास्ट में, और यहीं पर इसका लास्ट पोर्ट भी था। दोस्तों, इतना ज्यादा फेवरेबल है ये देश एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में, तो यहाँ आते हैं लाखों सैलानी हर साल। कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले गैलवे। गैलवे आयरलैंड के पश्चिम तट पर है, एक जीवन शहर जो अपनी कला, संगीत और जीवंत संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल गैलवे इंटरनेशनल आर्ट्स फेस्टिवल होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन, संगीत और नाटक शामिल होते हैं। गैलवे की तटरेखा यानी कोस्टल एरिया और खूबसूरत आइलैंड भी इसे एक अट्रैक्टिव पॉइंट बनाते हैं। आप गैलवे के पब्स में पारंपरिक संगीत का आनंद ले सकते हैं, जिससे यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर का अनुभव होता है, और म्यूजिक के लिए तो ये जगह जानी ही जाती है। दोस्तों, आप आ सकते हैं ग्लिफ्स ऑफ मोहर। ये चट्टाने अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित है, लगभग 214 मीटर ऊंची। क्लिफ्स ऑफ मोहर का दृश्य अविश्वसनीय है, यकीन ही नहीं होगा कि प्रकृति इतनी भी खूबसूरत हो सकती है, खासकर सनसेट के समय। यहाँ पर कई ट्रेल्स और व्यूइंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ से आप महासागर के अद्भुत दृश्य को देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप नेचर लवर हैं या फोटोग्राफी पसंद करते हैं, तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ आने के बाद आपको एहसास होगा कि आप इतने साल यहाँ क्यों नहीं आए। सीरियसली, जीवन का सबसे ज्यादा सुख और शांति आपको यहीं पर फील होगी। दोस्तों, आप आ सकते हैं डबलिंग। आयरलैंड की राजधानी डबलिंग एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ के प्रमुख स्थलों में ट्रिनिटी कॉलेज, जहाँ बुक ऑफ केल्स रखा जाता है, और डबलिंग कैसल शामिल है। डबलिंग की पब संस्कृति भी मशहूर है। यहाँ के गिनीज स्टोर के बुअरी टूर और जीवंत रात का जीवन ही अलग है। बेहतरीन नाइट लाइफ, म्यूजिक और चिल करना, सीरियसली एक टूरिस्ट को और क्या ही चाहिए। डबलिंग में बहुत सारे फेस्टिवल्स और प्रोग्राम्स होते हैं हर साल, जो इसे एक बहुत ही एक्टिव शहर बनाते हैं, जो रात भर नहीं सोता, बस मस्ती करता है, झूमता है, गाता है और बहुत सारा इंजॉय करता है। और यहाँ आने वाले टूरिस्ट भी इसमें बहुत आगे नजर आते हैं। दोस्तों, दिस इज केनमार। ये एक छोटा लेकिन खूबसूरत सा कस्बा है, जो अपने अद्भुत परिदृश्यों और उत्कृष्ट फूड के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे आउटडोर एक्टिविटीज और ट्रैकिंग और गोल्फिंग आपको मिलेगी। साथ ही केनमार की निकटता रिंग ऑफ कैरी के लिए भी काफी फेमस है, जहाँ से आप सुंदर दृश्यों को इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ के बाजार और आर्ट गैलरीज भी बहुत यूनिक है। अगर आप अपने नियर एंड डियर के लिए कुछ लेना चाहते हैं, कुछ ट्रेडिशनल खरीदना चाहते हैं, एक मेमोरी बनाना चाहते हैं, तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। अब बात रिंग ऑफ कैरी की आई है, तो चलिए चलते हैं रिंग ऑफ कैरी। ये एक प्रसिद्ध घूमने की जगह है। लगभग 179 किलोमीटर लंबा है ये एरिया। शानदार परिदृश्य, पहाड़, झीले, समुद्र का तट, क्या कुछ नहीं है यहाँ। इस रास्ते पर यात्रा करना अपने आप में खास है। आप यहाँ पर आकर इसके ग्रामीण जीवन को देख सकते हैं, प्राकृतिक सुंदरता को फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। रास्ते पर बहुत सारे गांव हैं, जैसे किलारनी और टर्लिस। यहाँ पर आप संस्कृति को देख सकते हैं। सीरियसली, ये लोग कैसे रहते हैं, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, आप सब कुछ देख सकते हैं। हर मौसम में आना यहाँ पर परफेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ का लोकल फूड भी आप जरूर टेस्ट कीजिएगा। दोस्तों, जब भी आप इस देश को एक्सप्लोर कर रहे होंगे, तो यहाँ के लोगों से आपका वास्ता जरूर पड़ेगा। आप एक चीज पर जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको लोग ज्यादातर लाल बाल वाले मिलेंगे। कहा जाता है कि आयरलैंड में दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा लाल बाल वाले लोग रहते हैं। एक अनुमान लगाया गया है कि आयरिश आबादी में करीब 10% से ज्यादा लोगों के बाल लाल हैं। अब इसका कारण क्या है, ये तो मुझे नहीं पता,
लेकिन जब भी आप लाल बाल वालों को देखिएगा तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। खैर, बाल लाल हों या काले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं, आपको बहुत ही अच्छे से वेलकम करेंगे। और हाँ, बस आपको करना इतना है कि जिस भी देश में आप जाएं, वहाँ के लॉज को जरूर माने, नियम और कानूनों को जरूर माने, आपकी यात्रा बहुत ज्यादा सेफ रहेगी। आई होप दोस्तों आपको ये सफर अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर वीडियो वाकई अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।